subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ऐसे ही ज़िंदगी भर खुश रखे। दोस्तों, एक दो वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, शायद आप लोगों ने देखा होगा। एक वीडियो तो कई दिनों से वायरल है, 8-10 दिन से। अभी एक वीडियो मैंने अभी देखा तो बहुत बुरा लग रहा है दोनों वीडियो देखकर, कि ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में जहाँ पे हर तरफ से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारी माँ और बहनों के ऊपर जुल्म हो रहा है, भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है, रास्तों पे मारा जा रहा है, जहाँ मिले वहाँ पे मारा जा रहा है, यानी बहुत बुरा वक्त चल रहा है मुसलमानों के लिए, बहुत ही भयानक वक्त चल रहा है। तो ऐसे वक्त में मुसलमान एक दूसरे की हिम्मत बने, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करने के बजाय, चंद मुसलमान ऐसे हैं जो आपस के अंदर ना इत्तफाकी पैदा कर रहे हैं, नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, दीन के नाम पर नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। हालांकि होना तो चाहिए था कि दीन के नाम पर मोहब्बतें पैदा करें, लेकिन यहाँ पे दीन के नाम पे नफ़रतें बांटी जा रही हैं, हसद कीना खपट बांटा जा रहा है। ये वीडियो आप लोग देख लें, एक शादी का वीडियो है। हालांकि शादी के ज़रिए से ख़ानदानों में आपस के लोगों में मोहब्बत पैदा करने वाली एक शादी कहलाती है, लेकिन इस शादी के ज़रिए से ऐसा लग रहा है कि लोगों के अंदर नफ़रत फैला रहे हैं, यानी खुली तौर पर नफ़रत फैला रहे हैं आपस के अंदर। एक मतलब ये वीडियो देख लें आप लोग। ये अहले सुन्नत व जमात की बारात है, इसमें वहाबी मुशरिक हराम है, हराम है। कोई वहाबी देवबंदी आया हो फौरन निकल जाए, वरना जलीलो खार करके उसे बाहर निकाला जाए। सुभान अल्लाह। तकबीर नारे रिसाला हुसैन पाक का दामन, मेरे कायनात का दामन, देश का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मशरक ए आला हजरत, मशरक ए आला हजरत, खानवा दे। इसके बाद एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो मकतब का वीडियो है। मैं भी मकतब पढ़ाता हूँ, हमारे पास भी बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन मकतबों के अंदर अल्लाह के हुक्म बताए जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हीं तरीके, ये दो चीज़ों पर हमें ज़िंदगी गुजारनी है, यानी अल्लाह के हुक्म पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमें ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चों को हम ये सिखाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मकतब देख के दिल बिल्कुल बहुत तकलीफ़ हो रही है कि छोटे से छोटे बच्चों को ऐसे वक्त में मोहब्बत, बच्चों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के बजाय ये मकतब के ज़रिए से, ऐसे मकतब के ज़रिए से बच्चों के दिलों में नफ़रत पैदा की जा रही है। ये न जाने ये उलमा है या क्या है, या उलमा के नाम पे ये लोग शैतान हैं, पता नहीं। छोटे मासूम बच्चों के दिलों के अंदर ये नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। एक मरतबा ये वीडियो आप लोग देख ले। देखिए, हमारे मदरसे के बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ, मौलाना साहब से बच्चों को क्या बोले थे बोलिए थोड़ा। अरे वो अभी वो दामाद बनाएगा, देवबंदी को देवबंदी का शादी करना है, वहाबी का शादी करना है, वहाबी जन्नती की जहन्नमी, जहन्नमी से दोस्ती रखनी चाहिए, अगर बस्ती में वहाबी आते क्या करना चाहिए, जनता से क्या है, स्वागत। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई ज़िम्मेदार हजरत इनको जानते हैं, ये किस गांव का ये तो मतलब पता नहीं है, अगर इनको जानते हैं तो इनकी सही तरीके से तरबियत करने की फ़िक्र करें बड़े बड़े उलमा इकराम, कि ऐसे मकातिबों के अंदर ऐसी तालीम बच्चों को न दे, ऐसे शादियों के अंदर ऐसी तालीम लोगों को न दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल के अंदर पहली मतलब अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे आरएम मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को, घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक दुआ में याद रखना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।